डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है सैंधव सभ्यता के उत्खननकर्ता के बारे में। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरीके से जीके और जीएस पोर्शन का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा ट्रिक के ज़रिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या है। देखिए, एक तरफ प्रमुख स्थल है और दूसरे तरफ उत्खननकर्ता या कहीं पर खोजकर्ता भी देता है दोस्तों, तो उसी के बारे में आज हमें जानना है, ठीक है। क्या है, देखिए पहला क्या है, पहला ध्यान दीजिएगा आप, हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता जो था दोस्तों, हड़प्पा, उसके उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है दोस्तों। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसे याद रखिएगा, दयाराम साहनी और एक कौन हो जाएंगे, एक आपका माधव स्वरूप वत्स हो जाएंगे। इसे आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता यानी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है मोहन जोदड़ो। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, मोहन जोदड़ो का खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राखल दास बनर्जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड नंबर है दोस्तों चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो के कौन है, गोपाल मजुमदार, चन्हुदड़ो यानी गोपाल मजुमदार। अब इसे कैसे याद रखिएगा, इसे याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, चन्हुदड़ो, ठीक है, इसका फिलहाल कोई ट्रिक नहीं बन रहा दोस्तों, आप याद रखिएगा चन्हुदड़ो यानी गोपाल मजुमदार। अगर आपसे कुछ बनता तो आप बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, गोपाल मजुमदार एक तरीका से ऐसे बन सकता है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, चन्हुदड़ो में आपको दिखाई दे रहा होगा दरो, इधर मजुमदार में भी दर, अगर थोड़ा सा आप इसको रो कर दीजिएगा मजुमदरो, तो एक ही वर्ड का कोरिलेशन लगता है दोस्तों, ठीक है, चन्हुदड़ो इधर गोपाल मजुमदार, ठीक है। तो इस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि चन्हुदड़ो के खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है, गोपाल मजुमदार, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए क्या है दोस्तों, कालीबंगा। तो कालीबंगा के कौन है, बी वी लाल और बी के थापर, ठीक है, बी के लाल और बी के थापर। अब बी के लाल और बी के थापर, अब इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो बी के लाल, कालीबंगा में काली एक वर्ड आया होगा, काली, एक सेकेंड, यहाँ पर काली एक वर्ड आया होगा और यहाँ पर बी वी लाल में लाल एक वर्ड है, ठीक है, तो आप को रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, काली यानी इधर काला रंग है, इधर लाल रंग है, तो रंग का चर्चा थोड़ा सा है दोस्तों, ठीक है, तो आप वहाँ से को रिलेट कर लीजिए इसको, कालीबंगा का क्या हो जाएगा, बी वी लाल और बी के थापर, और दोनों में बी वी इधर बी के है, तो दोनों एक दूसरा से को रिलेट है, तो आप इसे को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है कोट दिजी। तो कोट दिजी का कौन है, फजल अहमद, कोट दिजी का फजल अहमद, ठीक है। तो अब इसे याद रखने के लिए कैसे इसे याद रखिएगा, तो कोट दिजी में कोट एक वर्ड आया होगा दोस्तों, कोट, ठीक है, कोट दिजी में कोट, और इधर देखिए फजल में जल, ठीक है, जलना, ठीक है, यानी कोट का जलना। आप ऐसे याद रखिए, किस चीज़ का जलना, तो कोट का जलना, कोट दिजी यानी फजल यानी जल, फजल में जल यानी जलना, तो कोट दिजी हो जाएगा किसका, फजल अहमद, कोट दिजी फजल अहमद, इस तरीका से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है रंगपुर। तो रंगपुर का कौन है, रंगनाथ राव, ये तो आराम से आप कोरिलेट कर सकते हो, रंगपुर में भी आप देखिए रंग आया है और रंगनाथ में भी रंग आया है, तो आराम से इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं, रंगपुर का रंगनाथ राव, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है रोपड़, एक सेकेंड, रोपड़, तो रोपड़ का क्या है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। अब इसे कैसे याद रखना है, तो रोपड़, देखिए रोपड़ में एक पेड़ वर्ड आया होगा दोस्तों, पेड़, ठीक है, रोपड़ में एक पेड़ वर्ड आया होगा, और इधर यज्ञदत्त शर्मा में यज्ञ एक वर्ड आया होगा। तो जब यज्ञ होता है दोस्तों, यज्ञ होता है, तो उसमें क्या, जो यज्ञ करने के लिए पेड़, जो सूखी लकड़ियाँ जो होती है,
ठीक है, वो डाली जाती है यज्ञ करने के लिए। तो रोपण का क्या हो जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा। रोपण में पेड़ एक वर्ड है, यज्ञदत्त शर्मा में यज्ञ एक वर्ड है, ठीक है। तो यज्ञ करने के लिए आपको सूखी लकड़ियाँ ये सब की जरूरत होती है। तो इस तरीका से आप यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आगे है लोथल। तो लोथल का कौन है, रंगनाथ राव, ठीक है। लोथल का रंगनाथ राव, अब इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो लोथल में देखिए, लोथल तो लोथल में एक थाल वर्ड आया होगा, थाल यानी थाली, ठीक है। और रंगनाथ में रंग एक वर्ड आया होगा, तो आप रंग जो रखते हो तो किस में रखते हो, कोई बर्तन यानी थाली में रखा जाता है, ठीक है। रंग को किस में रखा जाएगा, थाली में यानी थाल में। तो लोथल का क्या हो जाएगा, रंगनाथ राव। तो इस तरीका से कोरिलेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे है 9 नंबर आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर का कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक सेकेंड, आगे है सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर के कौन है उत्खनन करता, तो ऑरेंज स्टाइल, ये अंग्रेज है दोस्तों, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स, ये दो सज्जन हैं, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स, इसे आप याद रखिएगा, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। अगर आपसे कुछ ट्रिक बनता तो आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। सुतका गेंडोर का ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए, आगे है वनमाली। तो वनमाली का पूछा हुआ है दोस्तों, वनमाली के उत्खनन करता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, वनमाली में एक माली एक वर्ड आया होगा, तो माली, माली का कुछ नाम है दोस्तों, तो उस माली का क्या नाम है, रविंद्र नाम है, ठीक है। कोई माली है तो उसका क्या नाम है, ठीक है, रविंद्र नाम है, रविंद्र नाम है, उस तरीका से आप कोरिलेट कर सकते हो। वनमाली का क्या हो जाएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इस तरीका से यहाँ कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है धौलावीरा। तो धौलावीरा का भी कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इस तरीका से इसे भी कोरिलेट कर सकते हो। देखिए धौलावीरा, धौलावीरा में अगर धोने का सेंस आया होगा दोस्तों, धोना, ठीक है, धोना, ठीक है। आ ऊपर में क्या था, वनमाली, तो माली नाम का कोई व्यक्ति है और वो रविंद्र सिंह बिष्ट, तो धौलावीरा का क्या हो जाएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, 13 नंबर 13 नंबर में क्या है, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी का क्या हो जाएगा, सूरज भान। तो देखिए दोस्तों राखी गढ़ी, तो इस तरीका से आप कोरिलेट करिएगा राखी गढ़ी को, ठीक है। सूरज नाम का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। इधर राखी है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरा, मतलब एक तरफ आपका इधर गर्ल्स का नाम है, तो उधर ये बॉयज़ का नाम है, तो उस तरीका से आप समझ सकते हो राखी, इधर सूरज, ठीक है। तो सूरज और राखी गढ़ी, यानी राखी गढ़ी का कौन जगह उत्खनन करता, सूरज भान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है कुणाल। कुणाल भी एक जगह है दोस्तों सैंधव सभ्यता का, बहुत सारे किताब में चर्चा किया नहीं जाता है, लेकिन कुणाल है। तो कुणाल का क्या हो जाएगा, एस आर राव। कुणाल का क्या हो जाएगा, एस आर राव। तो आपको याद रखना है कुणाल का एस आर राव, ठीक है। नेक्स्ट 14 हो गया, आगे 15 में क्या कह रहा, बालाकोट। तो बालाकोट भी एक जगह है दोस्तों, तो उसका ये उत्खनन करता कौन है, आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, अभी जो मैंने पढ़ा था बालाकोट, ठीक है। तो इसे भी आपको ख्याल रखना है, बालाकोट का हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट और कुणाल का हो जाएगा एस आर राव, ठीक है दोस्तों। ये 15 नंबर हो गया, आगे अब आगे नहीं है दोस्तों, ये अब समाप्त हो चुका है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता, कुछ पूछना है, तो आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।